तो चीकू उठ गई हैं और चीकू ने जस्ट किया है पी पूप, दोनों कर लिया है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज हम आपका फोटोशूट कराने जा रहे हैं। हो गया है मेरे डिलीवरी को एंड टुडे इज 13th of July। अब परसों 21 डेज हो जाएंगे, तो हम प्लान कर रहे हैं बेबी की नेमिंग सेरेमनी, जैसे कि हमने आपको बताया। और आज बड़े दिनों के बाद मैंने रेडी होकर कोई वीडियो शूट किया है जो कि चैनल पर आ जाएगा बहुत जल्दी। तो ये फर्स्ट ट्राई हॉल वीडियो, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी फर्स्ट ट्राई से और आपने पूछा था ये कहाँ से लिया वो कहाँ से लिया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक हॉल वीडियो बनाते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं। तो फाइनली मैंने थोड़ी हिम्मत करी और आज ये वीडियो शूट किया है और आपके साथ में शेयर भी करूँगी बहुत जल्दी, अभी 3-4 दिन के अंदर ही आ जाएगा। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक तो वो आ चुका होगा, तो आप देख चुके होंगे वो वीडियो। एंड बस बेबी की नेमिंग सेरेमनी होने वाली है। नेम हमने अभी तक फाइनल नहीं किया, आप लोगों से बहुत सारे नेम हमने पूछे थे, इतनी लंबी लिस्ट हमारी बन चुकी है व्हाट्सएप पे, तो उस लिस्ट में से ही अभी हम नेम फाइनल करने वाले हैं और देखते हैं कि किसका सजेशन अनिका को पसंद आने वाला है, क्योंकि वही नेम फाइनल करने वाली है अपनी सिस्टर के लिए। और एक छोटी सी पार्टी भी है जो हम प्लान कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होती है सारी चीज़ें। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं वीडियोस एंड ब्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ हैव सम पेशेंस, क्योंकि आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने बच्चे के साथ में और लाइफ इस समय बहुत बिजी जा रही है। मेरी भी अभी रिकवरी पूरी नहीं हो पाई है, तो थिंग्स आर टेकिंग टाइम, बहुत टाइम ले रही हैं चीज़ें। पहले जैसा नहीं रह गया, फटाफट से उठे और क्विकली वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया, चीज़ें बदल चुकी हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और या फिर इसी वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। चीकू उठ गई हैं और चीकू ने जस्ट किया है पी पूप, दोनों कर लिया है। और हम ऑल्टरनेट पीरियड पर, मतलब थोड़ी देर, कुछ टाइम हम डायपर पहनाते हैं चीकू को, कुछ टाइम हम नैपी पहनाते हैं, क्लॉथ नैपी पहनाते हैं, ड्राई नैपी पहनाते हैं, जिस हिसाब से हमें कन्वीनियंट लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हम फुल डे बच्चे को डायपर में नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। ओके ओके चीकू, बस बस बस, इजी बेटा, इजी 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 इजी। लेकिन थोड़ा हाइजीन रखना ज़रूरी होता है और मॉइस्चर को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गीले गीले में ही आपने डायपर पहना दिया और फुल डे आप बच्चे को बस वाइप किए जा रहे हो किए जा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का ये जो प्राइवेट पार्ट होता है ना वो ड्राई नहीं हो पाता है प्रॉपरली, और जब एयर ड्राई नहीं होता है तो रैशेज आने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चा बहुत इरिटेट भी होता है, आपको समझ में नहीं आता कि बच्चे को क्या हो रहा है, लेकिन वो जो स्किन पे इरिटेशन होती है ना वो बच्चों को बहुत तेज़ी से होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है बच्चों की स्किन। तो कोशिश करें कि आप भी बीच बीच में बच्चों को नैपी ज़रूर पहनाएं। ये डर बिल्कुल मन से हटा दें कि नैपी गंदी होगी तो उसे साफ़ करना पड़ेगा, बच्चे ने पूप किया या पी करी, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं हटा दें मन से, क्योंकि बच्चा करता ही है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन भी आता है बच्चों को, टॉयलेट भी आती है, पॉटी भी आती है, तो ये चीज़ होती रहती हैं। लेकिन बच्चे की स्किन की सुरक्षा के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है, और अगर थोड़ा अच्छे से आपने मैनेज किया तो आप फुल डे बच्चे को रख सकते हो डायपर पे। लेकिन ज़रूर ध्यान दो कि आपने टाइम से बच्चे का जो डायपर है वो चेंज कर दिया है, स्पेशली पॉटी करने के बाद में, पूप करने के बाद में, क्योंकि और एवरी टाइम जब भी आप डायपर चेंज कराओ ना तो एयर ड्राई ज़रूर करो उस प्लेस को, और अच्छे से एक अच्छी डायपर रैश क्रीम से उसे लेयर भी करो, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक मी कि अभी मैंने बच्चे को क्लीन किया, मैंने एक ड्राई टिश्यू से भी क्लीन किया है, अगर अभी क्योंकि मॉइस्चर वाला वेदर चल रहा है, मानसून का टाइम है, तो बहुत देर तक हम फैन ऑन करके बच्चे को ड्राई नहीं करा सकते, तो ऐसे में जो ड्राई टिश्यूज़ होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं, और उन्हें यूज़ करिए। लेकिन उसके बाद में आप बच्चे को नैपी पहना सकते हो या फिर डायपर पहना सकते हो, जिसमें भी कम्फर्टेबल फील करो। फिर कर दिया, अगेन, फिर अगेन कर दिया।
अब आप सोच रहे होंगे क्लोथ नैपी अच्छे तो होते हैं भाई, सब बोलते हैं, बट बेबी के फ्रीक्वेंट पी के साथ से बार बार चेंज करना कितना मैसी हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्चुअली मैं सुपर बॉटम की क्लोथ नैपी यूज़ करती हूँ। क्लोथ नैपी है तो बेबी की स्किन के लिए सेफ भी है, एंड इसकी ऊनो क्लोथ डायपर वर्क्स लाइक एनी अदर डायपर। ये 100% क्लोथ का बना हुआ है, लॉन्ग लास्टिंग एब्जॉर्प्शन के साथ पे 12 घंटे तक बेबी को ड्राई फील कराता है और कम्फर्टेबल भी रखता है। अब इसमें कोई हार्मफुल केमिकल भी नहीं है तो रैशेज आने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। हम इसे डायपर की तरह ही चीकू को रात में पहनाते हैं। इसमें बूस्टर पैड जो दिया हुआ जो कि सेपरेटली आता है, उसे लगा देने पर ये अच्छे से सोक करता है और बेबीज बिना किसी गीलेपन के रात में आराम से सोते हैं। अब ये कम्फर्टेबल तो है ही, लेकिन इसका लुक भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, डिफरेंट पैटर्न में आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको भी ये यूजफुल लग रहा है और आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, और आप मेरा जो कूपन कोड है उसे एडिशनल डिस्काउंट के लिए जरूर यूज करिएगा। मेरा कूपन कोड है HM10। ऑल्सो हम चीकू के दिन में डायपर फ्री टाइम देने के लिए यूज करते हैं ड्राई फील लंगोट, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल लंगोट यानी नैपी की तरह ही वर्क करता है। इसमें 3 लेयर कॉटन पैडिंग दी हुई है जो भी काफी सॉफ्ट है, टॉप लेयर भी काफी सॉफ्ट है, पहनने में बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल फील कराती है। इट होल्ड 1 पी इजली। अब ऊनो क्लोथ डायपर एंड ड्राई फील लंगोट दोनों में ही ड्राई फील लेयर है तो बेबीज को रैशेज भी नहीं होते। अब तो 9 kg के लिए आपको डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हो जाएंगी एंड इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। शो आज चीकू को हम पहला हेयर वॉश देने वाले हैं क्योंकि कल है चीकू का फोटोशूट। चीकू ना आएंगी नहीं, बस चीकू हेयर वॉश करेंगी आज, है ना, है ना, ना है ना, हेयर वॉश अच्छी अच्छी हेयर बाल दिखेंगे आपकी, बहुत अच्छे अच्छे बाल दिखेंगे। तो चीकू का हेयर वॉश तो हो गया। चीकू हाउ इज यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग नाउ। ये देखो चीकू के सारे जो लिपस्टिक राखी राखी हो के अभी वो निकल रहे हैं। ये देखो बैग रेडी कर रहे हैं, इसका डायपर बैग, और हमें भी रेडी होना है, यहाँ प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि न्यूबॉर्न फोटोशूट है आज चीकू का और उसके लिए तैयारी चल रही है। बस मुझे भी रेडी होना है तो मैं सोच रही हूँ एक बार बैग रेडी कर देती हूँ, क्या क्या लेकर चलना है, देन उसके बाद मैं क्विकली तैयार हो जाती हूँ। हे गाइस, सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं, एक्चुअली 12 o'clock तक हमें पहुँचना था लेकिन पार कट हो गया, बहुत देर तक वेट किया हमने, और लाइक नहाना, जो घर की बेसिक चीज़ें होती हैं, चेंज करना, रेडी होना, सब में डिले हो गया। लिटरली अगर पहले पता होता कि पार कट होने वाली है तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ करके फटाफट से सब काम कर लेते, और बेबी के साथ में नहीं हो पाती है चीज़ें पॉसिबल। तो चलो अब लेट हो गया है तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। वेदर खुला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, सो थोड़ा सा ह्यूमिड भी है आज, हवा भी नहीं चल रही है। मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी फ़ोटोशूट के लिए, कैसी दिखूंगी मैं पता नहीं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ रखे हैं, एकदम टायर्डनेस भी हो रही है स्किन पर। बालों को मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट किया था लेकिन पार कट हुआ तो इतनी स्वेटिंग हुई कि बाल कैसे हो गया लिटरली मेरे। चलो मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर के बाद या फिर फोटोशूट के बाद। आर यू एक्साइटेड? काका ओहो चलो ठीक है, क्या चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलो उसको बैग आगे रख ले, हम पीछे बैठे। हाँ आप पीछे बैठोगे ना? हे डॉल्स, आज हम आपका फोटोशूट कराने जा रहे हैं, आपके साथ हमारा भी फोटोशूट हो जाएगा। वाओ, वी आर सो लकी। अरे स्माइल कर रहा है, समझ में आता है क्या? अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। हम सेम फोटोग्राफी सर्विस में आए हैं जहाँ से मैंने मेरा मैटरनिटी फोटोशूट करवाया था। अनिका डोंट गो एरन देयर बेटा।
जो बैकग्राउंड में का साउंड है ये बेबीज को नैप देने के लिए सलाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इंस्टेंटली बेबी से सुनते सुनते सो जाते हैं। सो अभी न्यू बॉर्न एंड सिबलिंग वाला फ़ोटोशूट हो गया है और फैमिली फ़ोटोशूट बाकी है जो अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं। अभी लंच के लिए हमने ब्रेक लिया है तो यहाँ लंच चल रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे शूट कर रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। वैसे फ़ोटोज़ देख करके, वीडियो देख के तो आप समझ जाओगे कि क्या हमने किया। और मोस्टली फ़ोटोज़ रिक्रिएट हो रही हैं मैटरनिटी फ़ोटोशूट से हमारी। सो लेट्स सी, चलो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। यहाँ पिज्जा की शॉप है ही नहीं, पिज्जा की शॉप तो आगे है। हाँ भाई तीसरे तो बंद कर। सो हम अभी घर वापस आ चुके हैं फोटोशूट के बाद। और जब हम वहाँ से निकले 7:15 बज चुके थे। बहुत लंबा शूट चला आज का और बच्चे ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ में। बहुत डिफरेंट तरीके की शॉट्स क्लिक हुए आज और सच में मतलब मज़ा आ गया। मुझे तो बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। और मैंने आपको बताया था सेम फोटोग्राफर हमने इस बार भी ऑप्ट किया जो मैंने मैटरनिटी शूट के लिए किया था। और शी इज़ द बेस्ट, आई कैन से शी इज़ द बेस्ट। एंड इतना अच्छा माहौल रहता है उनके स्टूडियो का। एक्चुअली वो स्टूडियो नहीं है उनका, वो उनका घर भी है। तो घर पे आप समझ ही सकते हो कि कितना होमली फील होता है। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडियो में आई हूँ, कहीं स्पेसिफिक किसी फोटोग्राफर से फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। और बहुत ही प्यार से, बहुत ही नज़ाकत के साथ उन्होंने सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, बच्चे को हैंडल किया, बिल्कुल एक माँ की तरह बच्चे को संभाला टू आउट द फोटोशूट। और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। मैं मतलब मुझे देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड सो फोटोज़ वगैरह सब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हमने कैसे अरेंज किया। एंड वाला जो फ़ोटो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था, लेकिन somehow वो भी कैप्चर हो गया क्योंकि मुझे वो वाला शॉट चाहिए ही चाहिए था। सो अभी हम घर आ गए, मतलब मैं घर आ गई हूँ और चिकू यहीं पर है। हम लोग घर पे आ गए हैं और अनिका के पापा और अनिका गए हैं पिज़्ज़ा खाने एज़ यूजल कि बाहर गए हैं तो उनको तो कुछ ना कुछ खाना ही है तो वो बाहर है। और ओवरऑल शूट बहुत अच्छा था, आज का दिन बहुत अच्छा था, बारिश बिल्कुल नहीं हुई। जब हम गए धूप अच्छी निकली हुई थी, बिल्कुल ड्राई वेदर था, लौट रहे थे तो बारिश होने लग गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, एकदम चिल चिल सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था। एंड बिल्कुल भी एग्जर्शन नहीं हुआ, बिल्कुल टायर्डनेस फील नहीं हुई शूट के दौरान। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नागपुर में और न्यू बॉर्न फोटोशूट या फिर फैमिली फोटोशूट कराने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन चेक आउट हर। मैं उनका जो भी इंस्टाग्राम आईडी है एंड डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सारी प्राइस डिटेल, पैकेजेस क्या हैं, फोटोग्राफी सेशन कैसे होते हैं, ये सब डायरेक्टली अनका से बात करके जान सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगी और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी तो वो चीज़ सही नहीं रहती है ना। आई एम श्योर कि आपने मेरा मैटरनिटी फोटोशूट वाला जो व्लॉग था, वीडियो था, वो भी देखा होगा, मिस नहीं किया होगा। नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा यहाँ पर आपको आई कार्ड बटन पर, आप चेकआउट कर सकते हो, देख लो, मजा जरूर आएगा। आई एम श्योर आपको क्लिक्स बहुत अच्छी लगेंगी क्योंकि मुझे बड़े प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले उन सारे क्लिक्स के लिए। रील्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। आने के बाद मैं आई एम फीलिंग टायर्ड, अभी मैंने चेंज किया और बेबी को भी अच्छे से मैंने वाइप वाइप करके चेंज करा के और उसे फ्रेश कपड़े पहना करके भी सुला दिया है। फिर मैंने कुछ स्नैक्स खाया, घर आके दूध वगैरह पिया और मेरी पंजीरी रखी हुई है, ये मैं खाने जा रही हूँ अभी, ये खाऊंगी, देन थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर देखती हूँ अगर मुझे थोड़ा ठीक फील होता है
तो वीडियो एडिट कर लूँगी, यानी कि ब्लॉग जो मैं एडिट कर रही थी वो रह गया था बीच में, वो एडिट कर लूँगी। आज सुबह ही निकलना हो गया था हमारा 12:30 के आसपास, तो आज मेरी पोस्ट नेटल मसाज नहीं हुई। बेबी की जो मसाज है वो मैं अभी मालिश वाली आंटी से नहीं करवा रही हूँ, मैं खुद करती हूँ। हल्का हल्का ऑयल ही अप्लाई करना होता है, वो मैं खुद करती हूँ। और मदर अगर अपने बेबी को मसाज देती है तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है, ऐसा बोलते हैं भाई, डॉक्टर भी बोलते हैं। मेरी मालिश वाली आंटी ने भी ये चीज़ मुझे सजेस्ट किया कि एटलीस्ट मैं 1 महीने तक मैं खुद उसे मसाज दूँ, जिससे कि एक अच्छी सी बॉन्डिंग भी क्रिएट होगी मदर एंड डॉटर के बीच में। और बेबी को बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग के डेज ही होते हैं जब उन्हें पैम्पर चाहिए होता है अपनी मम्मा से, तो वो सब मैं दूंगी तो उसे अच्छा लगेगा और हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छा साइन था। सो आप लोग बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा वेट कितना था डिलीवरी के टाइम पे, मैंने कितना वेट लॉस किया अभी। तो अभी 21 डेज हो गए हैं, कल पूरे हो गए, और 88 केजी पे मैंने डिलीवर किया था। अभी मेरा जो वेट है वो 78 केजी हो गया है स्ट्रेट। इतना वेट मैंने अपने आप ही रिड्यूस कर लिया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो स्पेशल होता है टेंशन वेट लॉस के लिए वो मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं और बाकी सारी पोस्टनेटल जो एक्सरसाइजेस होती हैं वेट लॉस के लिए और अपनी बॉडी को टोन करने के लिए, वो मुझे 6 वीक के बाद ही शुरू करनी है। अभी 4 वीक्स भी नहीं हुए हैं तो ये हो जाएंगे, फिर देखते हैं इसके बाद। सो बेबी का वेट, जब बेबी का बर्थ टाइम पर जो बेबी का वेट था वो था 2.9 केजी, देन उसके बाद में अराउंड 1 केजी उसका वेट रिड्यूस हुआ, देन वापस से पुट ऑन किया बेबी ने वेट। तो लास्ट जब चेक हुआ था बेबी का वेट तो इट वाज 3.3 केजी, अभी पता नहीं कितना है, आई डोंट नो, नेक्स्ट विजिट जब होगी तो पता चलेगा बेबी का वेट कितना हुआ है। आप सब लोग पूछते रहते हो बेबी का वेट कितना है, वेट कितना है, बट मुझे समझ में नहीं आता कि बेबी का वेट जान करके क्या समझ में आएगा। मतलब मैं भी अगर किसी से पूछूं कि बेबी का वेट क्या है आपके, तो उनके बेबी के वेट से मुझे कैसे कुछ समझ में आएगा। मतलब कि वेट गेन करना या वेट लॉस होना ये बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं होता, ये अपने आप ही बढ़ता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद से ऑब्जर्व करी कि जब लास्ट मेरा स्कैन हुआ था इट वॉज 2.3 केजी जो वेट था बेबी का, देन उसके बाद 9th को मेरा स्कैन हुआ था, 24th को मेरी डिलीवरी हुई, 24th को बेबी का वेट था 2.9 केजी। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने किस हिसाब से वेट गेन किया, वो सही था या नहीं सही था, बट डिलीवरी के लिए 2.9 केजी वॉज अ गुड वेट उस समय। एंड अब बिल्कुल भी अपने बेबी को किसी और के बेबी के साथ कंपेयर ना करें, मैं हूँ या फिर किसी और का भी बेबी अगर डिलीवर हुआ है, प्लीज़ आप वेट का पूछ पूछ के सोच सोच के इतना परेशान मत होइए, क्योंकि सारे बच्चों का वेट एक बराबर नहीं होता है डिलीवरी के बाद में, सबका वेट अलग होता है और सारे ही बच्चों का जो वेट होता है वो डिलीवरी के बाद अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है, अराउंड 800 to 1.5 kg के अराउंड वेट अपने आप ही रिड्यूस होता है। उसका किसी और के बेबी के वेट से कोई कनेक्शन नहीं होता। आप जैसी डाइट रखोगे, अपनी बेबी को फीड कराओगे अच्छे से, आप खुद का फीड दे रहे हो, टॉप फीड दे रहे हो, फॉर्मूला फीड दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इन सब पे डिपेंड करता है आपके बेबी का वेट। तो मेक श्योर कि आप अच्छा खाओ और बच्चे को अच्छा ब्रेस्ट फीड दो, फुल जो होता है ब्रेस्ट फीड वो पूरा कम्प्लीट दो आप, जिससे कि आपके बेबी का वेट अच्छा रहेगा, बेबी एक्टिव भी रहेगा और उसका टमी भी फुल रहेगा हमेशा ही। सो आई गेस आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और आपने पूछा था कि मैं बेबी को स्वेडल कैसे करती हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी कि मैं बेबी को स्वेडल कैसे करती हूँ। तो स्वेडल क्या, रेडीमेड स्वेडल के लिए आपने पूछा, तो स्वेडल के लिए तो मैं आपको बताऊंगी ही वीडियो में, शायद मैंने बता भी दिया होगा। रेडीमेड स्वेडल के बारे में भी आपको बताती हूँ मैं, और मैं 2 डिफरेंट ब्रांड के रेडीमेड स्वेडल यूज़ कर रही हूँ, बेबी हग और एक मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, वो ब्रांड का भी है। तो दोनों ही ब्रांड के जो रेडीमेड स्वेडल थे वो काफ़ी अच्छे थे, और ये वेल्क्रो वाले स्वेडल होते हैं जिन्हें आप बिल्कुल ऐसे एक पैकेट की तरह बच्चे को पहनाना होता है और ऊपर से रैप करके बस वेल्क्रो से स्टिक कर देना होता है, तो इतना ही करना होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बहुत इजी होता है बच्चों को पहनाना, मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। सो आई जस्ट होप कि आज का ब्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा, फोटोज आपको अच्छी लगी होंगी, फोटो कैसी लगी है मुझे बताना ज़रूर। और अगर आप लोगों ने भी अभी रिसेंटली डिलीवर किया है तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आप डिलीवर करने वाले हो अपकमिंग डेज में तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड लव यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।